फरुखाबाद तहसील सदर के तीसरे दिन लेखपालों का अपनी मांगों को लेकर धरना जारी। थानाध्यक्ष नवाबगंज बलराज भाची को निलंबित करते हुए हटाए जाने की मांग पर अड़े लेखपाल। ग्राम उखरा में लेखपालों के साथ की गई मारपीट का मामला। तीसरे दिन भी लेखपाल फरुखाबाद तहसील सदर में लेखपालों का अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी रहा। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष अजीत दुबे ने मीडिया से की बात। उन्होंने कहा कि हमारी पहली मांग है कि थाना प्रभारी बलराज भाटी को निलंबित करते हुए तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। घटना के समय जो उच्चाधिकारी वहां मौजूद थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जिला अध्यक्ष FIR में जो भी अभियुक्त है उनके खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेखपालों को सुरक्षा हेतु शास्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। मांगे पूरी होने से पहले धरना समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए सोमवार को ग्राम उखरा पोखरा में ग्रामीणों ने दो लेखपालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तीसरा दिन है ले रहे और इस तीसरे दिन जो है अभी हमने EDM साहब को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों के संबंध में। और हमारी मांगे जो है वो उसमें नंबर एक की मांग हमारी यही है कि थाना प्रभारी बलराज भाटी को निलंबित करते हुए तत्काल हटाया जाए और जिन जो भी वहाँ पर उच्चाधिकारी थे मौजूद थे जो वीडियो में मौजूद है उच्चाधिकारी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर की जाए। दूसरा हमारा है कि जो प्राथमिकी में अंकित है FIR में जो अभियुक्त अंकित है उन अभियुक्तों की सख्त गिरफ्तारी हो, जो भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई है उस कार्रवाई की जाए। तीसरा ये है कि हमारे जो लेखपाल साथी हैं वो जो भी इच्छुक लेखपाल साथी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जो है वो उपलब्ध कराए जाए, इससे हम लोगों में सुरक्षा की थोड़ी सी भावना जागृत है। और इन मांगों के पूरा होने से पहले जो है अभी ये धरना समाप्त होने वाला नहीं है। आगे लड़ाई आगे तक बढ़ सकती है क्या? अगर इन मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार कर सहमति नहीं बनती है तो ये लगातार धरना चलता रहेगा।